To so, let's start our part of or layers, और ये भी एक सोसाइटी में मैन मेड और नेचुरल डिफरेंसेज होती है. Fine, है लेकिन जब आप इन डिफरेंसेस को इवेल्युएट करना शुरू हो जाते हो और रैंक करना उनको शुरू हो जाते हो फिर इन और इनफीरियोरिटी इन टू इन इक्वालिटी और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन ठीक है तो इसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है स्टार्टिफिकेशन के हम देखेंगे इस थेज uh, में आपके फंक्शनल व्यू भी है कॉन्फ्लिक्ट व्यू भी है ठीक है तो पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चुरल फंक्शन से तो आपको पता है स्ट्रक्चुरल फंक्शनस हमने पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया है बेसिकली सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड होती है या उसके वेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो स्ट्रर स्ट्रक्चर को फंक्शन परफॉर्म करता है जो जरूरी होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम या फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी एज ए होल एग्जाम्पल में अगर आप इंडिया कास्ट सिस्टम की एग्जाम्पल ले लो ब्राह्मण तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है एक पार्ट के फाइन और हर स्ट्रक्चर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है यूनिट ब्राह्मण फॉर सर्टेन वर्क क्षेत्रियाज आपको किसी चा, काम के लिए चाहिए वेशवास शूद्रास भी आपको अपने अपने कामों के लिए चाहिए तो हर ग्रुप जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो एज ए होल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस कास्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है तो ये बेसिकली इनका फंडा है बोलने का अब देखते हैं जो स्ट्रक्चरल uh, फंक्शनर्स है वो कहते हैं स्टार्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है सोसाइटी में ठीक है अब देखो जब सोसाइटी डिफरेंट स्टेटस में डिवाइडेड होती है या अगर हम एक स्मॉलर uh, लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वहाँ पे आपके सीई होते हैं आपके एच होते हैं ठीक है थीके? फिर आपके और कोई मैनेजर्स सीनियर मैनेजर्स होते हैं तो ये तो इनइवालिटी ही काइंड ऑफ आपको बता रही है ना क्योंकि डिफरेंट ये हैं सारे डिफरेंट रैंक में डिफरेंट ऑर्डर में सारे रैंकड हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आपको डिसीजन मेकिंग के लिए भी कोई चाहिए फिर आपको मैनेजर्स भी चाहिए जो आगे लीडर्स टीम लीडर्स से काम करवा सके फिर टीम लीडर्स के अंदर आपको इंटर्न्स भी चाहिए जो उनसे काम करवा सके ठीक है तो ये जो स्टार्टिफिकेशन एज ए प्रोसेस है इट इज जस्टिफाइड क्योंकि फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे ही सोसाइटी में भी अगर स्टार्टिफिकेशन है तो वो फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें यहां लिखी है इसमें इंपॉर्टेंट

सारे अग्री करेंगे सोसाइटी में कि काफी अच्छी पोस्ट है एक बहुत, एक बहुत अच्छी पोजीशन है ये अचीव करना ठीक है तो इसने कहा था हर सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन कंसेंसस इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज ठीक है कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे कंसेंसस होता है सबका सोसाइटी में और कंफर्मिटी जो होती है टू तो दीज नॉर्म्स उसको कंसिडर किया जाता है डिजायरेबल और उसको रिवॉर्ड किया जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम जॉब के परस्पेक्टिव से देखें आई जो है फाइन इस पे कंसेंसस है पूरी सोसाइटी का कि ये बहुत ही क्रीम पोजिशन है और इसको डिजायरेबल समझा जाता है अब जिसके पास ये पोजिशन है उसको रिवॉर्ड किया जाएगा जिसने हासिल किया उसको अकॉर्डिंगली आप रिवॉर्ड करोगे तो इससे क्या होगा सोसाइटी में ऑल द डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि कोई कितने लोग स्ट्राइव करते हैं बनने के लिए लैक्स में बनते कितने हैं सम हंड्रेड नाइन हंड्रेड टू थाउजेंड समथिंग ये आपकी पोस्ट होती हैं तो जिनको ये मिल गया वो हाईली रिवॉर्डेड जगह पे आ गए दे आर हाईली रिवॉर्डेड तो कहीं ना कहीं क्या हो गया इन इक्वालिटी काइंड क्रिएट हो गई लेकिन ये जस्टिफाइड है क्योंकि इनमें वो कैपेबिलिटी थी वो पोजीशन हासिल करने की और ये पोजीशन होना जरूरी है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी और अब अब अगर इनको हाईली रिवॉर्ड किया जाता है दैट इज आल्सो जस्टिफाइड ठीक है ये पर्सन का कहना था डिफरेंशियल कन्फॉर्मिटी एंड डिफरेंशियल रिवॉर्ड जो है वो फॉर्म करते हैं स्ट्रेटा इन सोसाइटी हर पोस्ट पे हर सोसाइटी के हर स्ट्रक्चर पे हर अलग टाइप की कन्फॉर्मिटी होगी लोग कन्फर्म करेंगे कुछ करेंगे किसी एक चीज को कुछ कन्फर्म करेंगे किसी एक चीज को और हर चीज के साथ अलग अलग रिवॉर्ड्स अटैच होंगे कहीं पे कम रिवॉर्ड्स होंगे कहीं पे ज्यादा रिवॉर्ड होंगे तो जो जह, जहां पे ज्यादा रिवॉर्ड्स होंगे तो वो अल्टीमेटली रैंक हो जाएगा हायर स्लॉट में आ जाएगा तो विल रिजल्ट इन योर इन इक्वालिटी वो लोग जो परफॉर्म इन ग्रेटर कंफर्मिटी टू दीज नॉर्म्स गेट बिगर रिवॉर्ड्स आप दिमाग में आई ऑफिसर के एग्जाम्पल बैकग्राउंड में चलाते रहो उससे आपको इजिली क्लियर हो जाएगा एंड दे आर रैक्ट हायर ने दी थी कि कुछ सोसाइटी में फंक्शनल प्री रिक्वेज होते हैं विच नीड टू बी फिलफिल्ड पार्सन को हम रिलेट करते हैं फंक्शनल प्री रिक्वेजिट से भी हमने पढ़ लिया था स्टार्टिफिकेशन हेल्प इन द फुलफिलमेंट ऑफ दीज फंक्शनल प्री रिक्वेज क्योंकि से क्या होता है आपको लोग अब डिवाइड हो रहे हैं आपको क्या मिल रहे हैं आपको हर पोस्ट के साथ जो लोग चाहिए जिनमें कैपेबिलिटी है आई ऑफिसर बनने की वो लोग आपको मिल रहे हैं जिनमें कैपेबिलिटी है सिविल स्टेट सिविल या पीसीएस वाले एग्जाम्स क्वालिफाई करने की आपको वो लोग भी मिल रहे हैं ठीक है तो ये सारा किससे हो रहा है प्रोसेस ऑफ uh, सर्टिफिकेशन से हो रहा है और ये सारी जो चीजें हैं जैसे कोई आयस बने कोई दूसरा कोई सर्विस में जाए ये सारे फंक्शनल प्री रिक्विज है सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है ना सेंट्रल लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स हों फिर स्टेट लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स हों तो सेंट्रल लेवल के ब्यूरोक्रेट्स की अपॉइंटमेंट और स्टेट लेवल के ब्यूरोक्रेट्स की अपॉइंटमेंट वो आपको थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन मिल रही है ठीक है अकॉर्डिंग टू पार्सल सर्टिफिकेशन इन एवेटेबल एज वैल्यू कंसेंसस जो है वो इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटीज का फाइन यही चीजें यहाँ पे लिखी है क्रिटिक्स ने कहा दो इन्होंने ये नहीं कहा कौन सी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में रिलीजियस वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे स्टार्टिफिकेशन होगी किसी एक सोसाइटी में कोई दूसरी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे मटीरियल अचीवमेंट अगर ज्यादा जरूरी है तो वहां मटरियल अचीवमेंट के बेसिस पे स्टार्टिफिकेशन होगी तो क्रिटिक्स का कहना था इन्होंने इस वैल्यू को पूरा डिफाइन नहीं किया लेकिन पार्सम्स ने अपने डिफेंस में कहा कि जो वैल्यूज है ये वैरी करती है सोसाइटी टू सोसाइटी तो एक जनरल एक वैल्यू जो है आप सारे यूनिवर्सल वैल्यू नहीं बोल सकते हो क्योंकि दे आर एट वेरियंस ये वेरी करेंगी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी डब्ल्यू एल वॉरियर ने कहा था सोशल स्टेटस पे इंफोसाइज किया था इनस्टेड ऑफ इकोनॉमिक क्लास उन्होंने कहा था तीन वेरिएबल्स हैं आपका एजुकेशन ऑक्यूपेशन एंड इनकम ये है आपके स्टेटस के डिटर्मिनेट्स ठीक है अदर क्राइटेरिया विच डिटर्मिन स्टेटस ऑफ फ्रेंडशिप मेंट्री ग्रुप्स एंड लेजर एक्टिविटीज फाइन तो इनका क्या बोलना था जो स्टार्टिफिकेशन है वो किन वेरिएबल्स पे होगी इनपे क्योंकि ये आपको सोशल स्टेटस देता है सोसाइटी में ठीक है अकॉर्डिंगली स्टार्टिफिकेशन होती है फाइन तो चलते हैं अगले थिंकर की तरफ डेविस एंड मोरे इन्होंने फंक्शनल uh, थे दी थी अपने इंपॉर्टेंट वर्क में सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शनल थेरी एग्जाम में भी काफी बार ये आ चुकी है ठीक है तो पहले हम देखते हैं थेरी क्या कहती है देन विल गो थ्रू द बुक इन्होंने कहा था बेसिकली सोसाइटी में कुछ फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन होती हैं फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट ठीक है और वो फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ लोगों की जरूरत है और इन फंक्शनली मोर इम्पॉर्टेंट पोजिशन के साथ हाई रिवॉर्ड अटैच होते हैं इन रिवॉर्ड्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं टैलेंटेड पीपल जो वो रोल जो वो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फुलफिल कर पाए टैलेंटेड पीपल और इनमें ये भी कहा था जो टैलेंटेड पीपल का पूल ऑफ रिसोर्सेस है टैलेंटेड पीपल का दैट इज कार्स मतलब वो कम टैलेंटेड लोग हैं जो मेहनत करते हैं हाई रिवॉर्ड्स के लिए और फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन में जाते हैं तो सोशल स्टार्टिफिकेशन क्या करती है क्योंकि इसने स्टार्टा क्रिएट किया सोसाइटी को डिवाइड किया सोसाइटी अब लेयर्स में डिवाइडेड है अगर हम यहाँ पे डिग्री की बात कर लें फॉर एग्जाम्पल अगर फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट के लिए आपको पर्टिकुलर डिग्री चाहिए हर कोई एक ग्रुप एक डिग्री लेके आया होगा दूसरा ग्रुप दूसरी डिग्री लेके आया होगा तीसरा ग्रुप तीसरी डिग्री लेके आया होगा फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट एक पर्टिकुलर डिग्री आ गई यहाँ पे जिसके साथ हाई रिवार्ड्स अटैच थे और टैलेंटेड पीपल जो थे वो अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड्स दिस पोस्ट ठीक है ये सारा किसने किया स्टार्टिफिकेशन अब इन्होंने यहाँ पे टर्म दिया था अब स्टार्टिफिकेशन क्या करती है इफेक्टिव रोल एलोकेशन ये सर्टिफिकेशन का काम है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो वो इंपॉर्टेंट पोजिशन हैं सोसाइटी की फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट, दे आर फुलफिल्ड बाय मोर टैलेंटेड पीपल ये कौन देखता है ये सोशल स्टार्टिफिकेशन देखती है कि वो जो पोजिशन है जो क्रीम पोजिशन है दे आर फुलफिल्ड बाई दी टैलेंटेड पीपल क्योंकि सर्टिफिकेशन से स्ट्रेटा क्रिएट हुआ अगर स्टार्टिफिकेशन ही नहीं होता सारे इक्वल होते तो आपको वो क्रीम लोग नहीं मिलते जो एक क्रीम पोजिशंस फुलफिल कर पाएं जो एक क्रीम पोस्ट पर रह पाए और जिनको फिर आप अकॉर्डिंगली हायर चीजों से रिवॉर्ड कर सको तो यही सारी चीजें हमने कही थी सोसाइटीज ने डिस कुछ फंक्शनी मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन होती हैं सोसाइटी को चाहिए स्टार्टिफाइड पोजीशन इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जैसे मैंने आपको सी ओ एच मैनेजर सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर पी एन इनफैक्ट हर कोई जो है पोजीशन वो इंपॉर्टेंट है फॉर दी प्रॉपर फंक्शनिंग जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ली थी हाई रिवॉर्ड्स अटैच होते हैं टू द फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट पोजिशन और ये जो टैलेंट है जो पूल है टैलेंट का ये कम है एंड मोर टैलेंटेड पीपल आर रिक्वायर्ड टू होल्ड फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट पोजिशन ठीक है इंपॉर्टेंट पोजिशन जो है दे ऑल्सो रिक्वायर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम स्किल्स एड ट्रेनिंग तो हर कोई नहीं कर सकता जो उस तरीके के टैलेंट और पोटेंशियल होल्ड करने की रखते हैं, लोग इसकी तरफ जा सकते हैं सोशल स्टार्टिफिकेशन एक मैकेजम है ऑफ रोल एलोकेशन इन विच मोर इंपॉर्टेंट पोजिशन आर फिल्ड बाई मोर टैलेंटेड पीपल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ये थी इनकी स्टार्टिफिकेशन थियोरी इनके सबसे बड़े क्रिटिक रहे हैं मेलवर्न में कुछ पॉइंट्स बोले थे अनईक्वल होते हैं तो सोशल इन्होंने इन्होंने विद रिगार्ड्स टू पॉवर्टी प्रॉपर्टी सोशल इवेल्यूएशन एंड साइकिक ग्रेटिफिकेशन इन्होंने इन इक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू तो दीज फैक्टर्स कही थी ठीक है उन्होंने चैलेंज किया था डेविस एंड मोरे की थियरी को उन्होंने कहा था जो टैलेंट एंड एबिलिटी है आप उसको मेजर नहीं कर सकते आप कैसे कह सकते हो कि पहले आप ये कैसे कह सकते हो टैलेंटेड लोग कम है आप टैलेंट किसको बोल रहे हो जो आई ऑफिसर की पोजिशन पे बैठा है चलो ठीक है उसने मेहनत की वो भी टैलेंटेड है लेकिन जो कोई दूसरी पोस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है वो भी अपने टैलेंट की वजह से ही वहां पे है ठीक है तो ये जो टैलेंट है ये आप ये नहीं बोल सकते इसको मेजर नहीं कर सकते कहीं पर टैलेंट फिफ्टी परसेंट है कहीं पर टैलेंट थर्टी परसेंट है हर पोस्ट पे जो इंसान बैठा हुआ है वो टैलेंटेड है ठीक है वो अपने काम को अपने काम का हुनर जो जानता है वो वो टैलेंट है तो बेसिकली टैलेंट का जो ये जो पूल है ये स्कार्स नहीं है इन्होंने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग डोंट मेक एनी सिग्निफिकेंट सेक्रीफाइसेज ठीक है हाई रिवॉर्ड्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं इन्होंने कहा था सिर्फ यही मोटिवेशन फोर्स नहीं है ये कुछ कुछ पॉइंट्स में अगर आप इसको ये कर दो दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट ट्यूमिन ने कहा था एट द फंक्शनल थियोरी ही लुक एट फंक्शन थ्योरी फ्रॉम दी कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव ऑल्सो ही फेल्ट दट फार फ्रॉम बींग फंक्शनल सर्टिफिकेशन सिस्टम था डिस इनको पहले जो सर्टिफिकेशन है वो लिमिट करता है अपॉर्चुनिटी ऑफ द अंडर प्रिविलेज क्योंकि आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अब जो ग्रुप है कोई हाईली एजुकेटेड ग्रुप आ गया तो वो बाकी वाले ग्रुप पे क्या करेगा उनपे वो काइंड ऑफ रुकावट लगाता है कि वो इस वाले ग्रुप में ना आ पाए जो जॉब इसके पास है वो बाकी उनके पास ना आए ऐसा इनफैक्ट स्टडी में मेडिकल फील्ड में भी देखा गया था कि जो सीनियर डॉक्टर्स थे वो कोशिश करते थे कि उनके जो नए आ रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स, उनकी रिक्रूटमेंट इस तरीके की पोस्ट पे ना हो पाए ऐसी कोई स्टडी हुई थी जिसका इन्होंने जिक्र भी किया था वो इस वाली बुक में मेंशन नहीं है वो आपके हर गिवन है ठीक है आपको उस डिटेल में नहीं जाना बस मैं बोल रही हूँ कि ऐसा होता है एक ग्रुप के जो है वो दूसरे ग्रुप पे इम्पेडिमेंट लगाते हैं कि वो उनके ग्रुप में ना जा पाए जो हाईली डिमांड में वो ग्रुप हो या हाईली रिवॉर्डेड ग्रुप हो सर्टिफिकेशन ऑफ एन एक्ट एज ए बैरियर टू मोटिफिक मोटिवेशन नॉट ए प्रमोटर ऑफ इट सर्टिफिकेशन आपको हमेशा मोटिवेट नहीं करेगा आपको uh, बैरियर भी पुट करेगा क्योंकि इंसान को हो जाता है ना कि मतलब सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड है मैं उस पोजीशन में जा पाऊँ ना जा पाऊँ तो ये सारी चीज़ें इसकी लिमिट्स हैं सेकेंडली स्टार्टिफिकेशन हेल्प्स टू द स्टेटस को इवन व्हेन द स्टेटस को हैज बिकम डिसफंक्शनल वो हेल्प करता है इस्टेब्लिश करने में क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन आप एक जो है री करते हो एक चीज़ को

इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी अब अगर जो वो लोग लो जो पीछे रह गए जो अचीव नहीं कर पाए उनको करना था सोसाइटी के स्ट्रक्चर की वजह से तो वो लेस वो बिकम हॉस्टाइल वो लेस प्रिविलेज लोग ही होते दे बिकम हॉस्टाइल सस्पेशियस एंड डिस्ट्रस्टफुल ठीक है इससे जो इंटीग्रेशन है सोसाइटी की वो कम हो जाती है डेविसेन मूव ट्राइड टू डिस्पेल द नोशन ऑफ ट्यूमन

फंक्शनली इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्ड नहीं करता है स्वीपर डू यू थिंक सो अगर आपकी कॉलोनी में एक दिन के लिए ना आए स्वीपर सफाई करने के लिए या आपके डस्टबिन वगैरह खाली करने के लिए तो कितना क्रॉस मच जाएगा बीमारियां फैल जाएंगी हर जगह आपको कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे तो क्या स्वीपर की पोजिशन एक फंक्शनली इंपॉर्टेंट पोजिशन नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कुछ पोजिशन जो है वो फंक्शनली अच्छा इनकी जो स्टार्टिंग में इनकी थ्योरी में कहा था कि फंक्शनली मोर इम्पॉर्टेंट पोजिशन है ठीक है तो ट्यू मैंने ये भी कहा था कि आप कैसे बोल सकते हो कोई पोजिशन फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट है ठीक है तो इसके रिप्लाई में डेविसन मूरे ने कहा था वो पोजिशन जो यूनिक है ठीक है यूनिक कौन सी हुई जो हर कोई नहीं कर सकता और द डिग्री टू विच अदर पोजिशन डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर पोजिशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्जन की एग्जाम्पल ले लो सर्जन की पोजिशन यूनिक है हर कोई सर्जन नहीं बन सकता है और इस पर बाकी सारे डिपेंड करते हैं अगर आपके पास नर्सेज हैं टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं थिएटर असिस्टेंट्स है, सारे ही प्रेजेंट हैं सारे टूल्स सर्जरी के प्रेजेंट हैं क्या आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो बिना सर्जन के नहीं दैट मीन्स ये सारे जो प्रोफेशन है ये किस पे डिपेंड करते हैं सर्जन पे तो द डिग्री टू विच अदर पोजिशन डिपेंड ऑन ए पर्टिकुलर पोजिशन और वो यूनिक हो यहाँ पे सर्जन की एग्जाम्पल जो बैक थी है वो फिट बैठती है परफेक्ट तो डेविसन मोरे ने ये रिप्लाई दिया था ट्यूमिन का क्योंकि ट्यूमिन ने उस चीज को पॉइंट आउट किया था जो इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि कुछ चीजें फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट होती हैं ट्यूमिन ने कहा था आप कैसे बोल सकते हो कुछ चीजों को फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि इन अवे तो हर पोजिशन होगी जैसे स्वीपर की भी इंपॉर्टेंट है उसके रिप्लाई में फिर उन्होंने ये चीज कही थी ठीक है बाकी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं अपार्ट फ्रॉम टूमन डेंडोर वॉज वन ऑफ द मेजर क्रिटिक्स उन्होंने कहा था दैट स्टार्टिफिकेशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द क्लोजली रिलेटेडी ऑफ नॉम सैक्शन एंड पावर वहां से स्टार्टिफिकेशन आती है इसीलिए डिस फंक्शन फॉर द सोसाइटी सिमिलरली जो डेविसन मोरी ने थियोरी दी थी उससे आप रेजेडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि कैसे करोगे फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट है तो इफेक्टिव लोकेशन हो रही है तो आप फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट किस कास्ट को बोलोगे तो ये चीज़ आप uh, एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते हो एलिट रिक्रूटमेंट थ्योरी जो है पावर्स एट एलीट गॉबल अपट रूल देखो ये आपके एलिट्स होते हैं जो हाइस्ट uh, इसमें आते हैं लेयर में और ये आपके बाकी मासज हो गए तो एलिट रूल क्या कहता है ये जो रिक्रूटमेंट करते हैं एलिट्स की अपने ही ग्रुप से कोशिश करते हैं ये रिक्रूटमेंट होने की ठीक है और मासिस तक वो रिक्रूटमेंट नहीं पहुंचती है ये इस चीज़ का मतलब है सोशल फंक्शनल स्टार्टिफिकेशन इज नो लॉन्गर वैलड एज इन इक्वालिटीज आर नाउ इंडिविजुलाइज एंड नो क्लियर स्टेटा एक्जिस्ट इवन एग्जिस्ट टूडे ये किसने कहा था बैक एंड बॉडी लार्ड ने एंड एल्बिन गोल्डन ने कहा था स्टार्टिफिकेशन इज नॉट इन एविटेबल एज डेविस एंड मुरे प्रोडिक्टेड एंड ही क्रिटिसाइजेज दम फॉर प्रोवाइडिंग इन जस्टिफिकेशन फॉर सोशल इनईक्वालिटीज ये भी क्लियर है ईजी टू अंडरस्टैंड जॉनथन टर्नर ने कहा था स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरीज सफर फ्रॉम इलिजिटिमिटेलियोलॉजीज एज अ बिग लॉजिकल प्रॉब्लम ये हमने दो चार बार पुराने वीडियोज में डिस्कस कर लिया है अब थियरीज ऑफ तो स्टार्टिफिकेशन मार्क्स एंड व्यू ठीक है मार्क्स का व्यू आप ये खुद देख के एक बार ही पढ़ लोगे ये वही बातें आपको कहते हैं कि सोसाइटी डिवाइड है दो क्लास में हैव्स एंड हैव नॉट्स और ये चीजें ये क्लासेस जो हैव नॉट्स है वो एक्सप्लॉयट हो रही है क्योंकि सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो हैव अप्रोप्रिएट कर जाते हैं एंड एक्यूमलेन ऑफ प्राइवेट वेल्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा हैव नॉट्स के एक्सप्लॉयटेशन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ठीक है और ये सारा किससे रिलेटेड है आपके इकोनॉमी से कैपिटलिज्म से तो मार्क्स ने ये सारी बातें कही थी ये हमने ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन फोर्स ऑफ प्रोडक्शन ये हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया है ऑलरेडी देखते हैं वेबर ने क्या कहा था वेबर के व्यू को हम चेनेटेरियन व्यू कहते हैं क्योंकि दो इन मार्क्स से अग्री करते थे कि हाँ इकोनॉमी के बेसिस पे भी क्लासेस जो जो है वो रहे है जो है वो वो डिवाइड सोसाइटी लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ स्टेटस या आपका प्रेस्टीज और पार्टी जिसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह आ जाती है ठीक है तो उन चीजों के अराउंड भी आपकी सोसाइटी जो है स्टेटिफाइड है इसलिए इसको चुनिटेरियन व्यू कहा जाता है जिसमें इन्होंने तीन फैक्टर्स बताए थे सोसाइटी के स्टेटिफिकेशन के मार्क्स ने क्या कहा था ये सारे आपके किससे रिलेटेड है फ्रॉम दिज

और सिमिलर इकोनॉमिक सिचुएशन अगर आपकी मार्केट सिचुएशन सेम है ठीक है आप सेम सेम टाइप का पैसा कमा रहे हो वही आपकी इनकम जो है लेवल में आप फॉल करते हो तो आप एक ही क्लास को बिलोंग करते हो मार्केट सिचुएशन ये इन्होंने दिया था एक टर्म और इन्होंने कहा था कि जो लोग सिमिलर क्लास के हैं दे हैव सिमिलर लाइफ चांसेस मींस क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उनकी सेम होती है दो सो शेयर सिमिलर लाइफ चांसेस शेयर सिमिलर क्लास जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम है जो वो चीजें एफोर्ड कर पाते हैं सेम चीजें एफोर्ड कर पाते हैं दैट दे हैव सिमिलर सिमिलर लाइफ चांसेस एंड क्लास तो ये दो तीन टर्म्स uh, जो है ये मार्क्स के के दिए दिए हुए हुए इसके वेबर हैं ये आपको आंसर्स में मेन्शन करने हैं एंड ऑन द बेस ऑफ लाइफ चांसेस वेबर सीज डिफरेंट क्लासेस लाइक उन्होंने लाइफ चांसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लासेस बताई थी हमें चार क्लासेस बताई थी जिसे मार्क्स ने दो कही थी प्रॉपर्टी अपर क्लास प्रॉपर्टीलेस वाइट कॉलर पेटी बट एंड मैनुअल वर्किंग क्लास ठीक है अगर इनके बीच में क्लास की डिफरेंसेस भी देखो मार्क्स ने क्या कहा था और वेबर ने क्या कहा था मार्क्स ने सिर्फ क्लास को कहा था इन्होंने क्लास स्टेटस एंड पार्टी तीन चीज़ें कही थी इन्हें हैव्स एंड हैव नॉट्स कहे थे इन्हें चार क्लासेस बोली थी जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली यहाँ पे इन्होंने कहा था क्लास को आप, आप एक सेकेंड थोड़ा मैं इसको नीचे कर देती हूँ इन्होंने कहा था क्लास टू बी अंडरस्टूड इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिविजुअल पोजीशन क्या है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन में या तो आप उस प्रोडक्शन के स्ट्रक्चर में क्या हो या तो आप ओनर हो या तो आप एक लेबर हो ठीक है वेबर ने कहा था क्लास को देखो इंडिविजुअल पोजीशन इन द कंटेक्सट ऑफ द मार्केट ऑफ एक्सचेंज ठीक है मार्केट ऑफ एक्सचेंज में आपकी पोजिशन क्या है उस कॉन्टेक्स में इन्होंने जैसे चार क्लासेस हमें दी थी जो हमने यहाँ पे देखी है इंटरमीडिएट क्लासेज जो है विल पोलराइज अच्छा यहाँ पे मार्क्स मार्क्स्यूड क्लास इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप और नॉन ओनरशिप ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और इन्होंने स्किल्स की बात की थी.

इन्होंने कहा ऐसी कहीं पोलराइजेशन नहीं होगी इनफैक्ट जो मिडिल क्लासेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी एंड नॉट डिप्लीट एज पर मार्क्स विल प्रोलिटेट एंड एक रेवोल्यूशन फाइनली होगा लीडिंग टू ऑफ कम्युनिज्म एडवांस्ड कम्युनिज्म वेबर ने कहा था क्लासेस जो है आर नॉट कम्युनिटीज एंड देर ऑल्सो नो रीजन दे आर देर ऑल्सो दिसो द रीजन दैट दे आर अनलाइकली टू यूनाइट एज मार्क्स प्रोडिक्टेड क्योंकि इन्होंने क्या कहा था क्लास वो एक कोई कम्युनिटी या कोई एक ग्रुप नहीं है क्लास बेसिकली जिनकी सिमिलर मार्केट इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सारे एक क्लास में फॉल करते हैं फाइन तो ऐसा कुछ नहीं है जब एक कम्युनिटी ही नहीं है तो जो मार्क्स की वो सारी बातें थी पर्सपेक्टिव की वो सारा कॉन्शियसनेस हो जाएगी फिर रेवोल्यूशन आ जाएगा तो वो सारी चीजें यहाँ पे स्टैंड नहीं करती है इट मे ऑल्सो भी नोटेड दैट दोपल हु टू डू विद्स ऑफ यूजिंग गुड्स और सर्विस फॉर मार्केट सजेस स्लीव दे डो नॉट फॉम अस इन अ टेक्निकल सेंस ऑफ द टर्म द स्टेटस से रिलेट करता है तो आप उसको क्लास ग्रुप में नहीं डालते हो आप उसको एक स्टेटस ग्रुप में डालते हो अदर देन क्लास वेबर ने क्या कहा था स्टेटस एक तो क्लास है एंड स्टेटस एंड थर्ड वन इज ये तीन नाम याद रखना ठीक है स्टेटस ग्रुप स्टेटस जो है दे डिफर फ्रॉम क्लासेस इन बीइंग कम्युनिटीज ठीक है वो कम्युनिटीज uh, आप जिससे क्लास को नहीं बोल सकते हो स्टेटस ग्रुप को आप एक कम्युनिटी बोल सकते हो एक स्टेटस ग्रुप को तो इन्होंने कहा था स्टेटस सिचुएशन बाय द पॉजिटिव और द नेगेटिव सोशल एस्टिमेशन ऑफ द ऑनर तो बेसिकली स्टेटस इज नथिंग बट इज इट इज योर सोशल ऑनर की सोसाइटी में आपकी क्या पोजिशन है वो आपका स्टेटस है ये इफेक्टिव क्लेम है टू द सोशल एस्टीम ठीक है आपका सोशल एस्टीम किस पर डिपेंड करेगा कि सोसाइटी में आपका क्या पोजिशन है आपका क्या ऑनर है फाइन और जो पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद सोशल ऑनर एंड इज देयर नॉट नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर एक्वायरिंग स्टेटस प्रॉपर्टी किसी के पास भी हो सकती है ना जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया वो प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा वेल्थ एक्वायर करेगा लेकिन जरूरी नहीं है उसको सोशल ऑनर भी मिले अगर एक आई एस ऑफिसर अपनी बिल्कुल एक ऑनेस्ट आई ऑफिसर की सैलरी भी उतनी नहीं होती है तो वो ज्यादा अमीर भी नहीं हो सकता है ठीक है लेकिन उसके पास स्टेटस है अगर उसके पास पैसे उतने नहीं भी है लेकिन स्टेटस सोशल पोजीशन उसके पास है ये यहाँ पे कहने का इनका मकसद था क्लासेस एंड स्टेटस में ओवरलैप बट नॉट नेसेसरीली ठीक है हाई क्लास हाई स्टेटस हो सकता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि अगर आप हाई uh, क्लास को बिलोंग नहीं भी करते हो तो भी आपकी पोजिशन सोशल पोजिशन अच्छी हो सकती है आज के टाइम में क्लासेस जो मेंबर्स ऑफ स्टेटस ग्रुप हैं दे आर ऑलमोस्ट अवेयर ऑफ देयर कॉमन स्टेटस सिचुएशन वो कैसे क्योंकि मैंने आप लोगों जैसे इनने कहा था वेबर ने कि जो क्लास है वो कोई कम्युनिटी या ग्रुप नहीं है जिनकी सेम इकोनॉमिक सिचुएशन है सेम इकोनॉमिक सिचुएशन वो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं ठीक है थीके? तो आपको पता नहीं है कि अगर आप दूसरी कोई कंट्री में ही बैठा है और आपके जितना ही कमा रहा है तो काइंड kind ऑफ of आप सेम क्लास के हो तो आप अवेयर नहीं हो इस चीज़ के ठीक है आपको सब पता नहीं होता है कि सारा कि कौन किस क्लास को बिलोंग करता है हमें इसकी अवेयरनेस नहीं होती लेकिन स्टेटस ग्रुप एक कम्युनिटी काइंड है और कॉमन स्टेटस सिचुएशन जो है लोगों को पता होता है कि मैं हाई सोसाइटी का हूँ उसको ये भी पता है कि ये बंदा भी हाई सोसाइटी का है लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसे लोगों की यूजली नहीं पता होती इसीलिए कहा जाता है क्लास वाले अवेयर नहीं होते अपने स्टेटस के लेकिन जो स्टेटस पोजिशन होल्ड करते हैं स्टेटस सिचुएशन होल्ड करते हैं उनको अपने प्रेस्टीज और बाकियों के प्रेस्टीज का भी सोसाइटी में पता होता है कहाँ चला गया इन एडिशन टू स्टार्टिफिकेशन बाय क्लास एंड ग्रुप्स वेबर ने और एक दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी अकॉर्डिंग टू विच सोसाइटी इज स्टार्टिफाइड दिस इज योर एक्विजिशन ऑफ पॉलिटिकल पावर पॉलिटिकल पावर तो इसमें आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स या आपके uh, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह वो इसी में फॉल करते हैं ठीक है वाई क्लासेस एक्जिस्ट इन इकोनॉमिक ऑर्डर स्टेटस ग्रुप्स एग्जिस्ट इन सोशल ऑर्डर पार्टीज कैन फाउंड टू बन पॉलिटिकल ऑर्डर इसमें क्या होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो टुवर्ड्स अ गोल उनका कोई गोल होता है अचीव करना वो गोल हो सकता है बेसिस या तो आपका जो रिलेशन है आपके पार्टी uh, मेंबर के साथ आपके लीडर्स सीनियर्स के साथ उस बात पे हो सकता है या तो किसी एक आइडियोलॉजी पे किसी एक आइडियल पे आपका गोल फॉर्म होता है तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें पार्टीज ऑफ पेट्रोनेज दिया था एंड पार्टीज ऑफ प्रिंसिपल दिया था प्रिंसिपल जिसमें कोई आइडियल का आपका गोल होता है किसी मटेरियल पर्पज के लिए आप गोल बनाते हो लेकिन अगर आपका गोल एक रिलेशन पे डिपेंड करता है किसी एक सीनियर के साथ ठीक है आपका गोल पर्सनल हो सकता है तो उसको हम पार्टीज ऑफ पेट्रोनेज बोलते हैं वेबर थॉट ऑफ पार्टीज वेरी ब्रॉडली एज इंक्लूडिंग नॉट ओनली एग्जिस्ट इन स्टेट बट ऑल्सो दैट माइट एग्जिस्ट इन अ अलब पार्टी नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट क्लास और स्टेटस ग्रुप्स ठीक है एक पार्टी के लोग कभी एक क्लास और एक डिफरेंट क्लासेस टुगेदर भी एक पार्टी बना सकते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक क्लास या एक स्टेटस के ग्रुप ही एक पर्टिकुलर पार्टी बनाएंगे होता भी है लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा कोई रूल है ठीक है कुछ इनके क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स देख लेते हैं सीलिया हेलर ने कहा था जो वेबर है ही सेज दैट इकोनॉमिक ऑर्डर एंड स्टेटस ग्रुप्स आर डिफरेंट कहीं कहीं पे बोलते हैं इनको कोरिलेट करते हैं और कहीं पे बोलते हैं डिफरेंट है कहीं पे वो ये बातें भी बोल रहे हैं ना कि हाई क्लास जो है देर इज अ चांस जो हाई क्लास के हैं वो हाई स्टेटस के भी हों और कहीं पे बोलते हैं कि नहीं जो हाई क्लास के हैं वो जरूरी नहीं हाई स्टेटस से भी बिलोंग करें तो यहाँ पे जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनकी थियरी में अलरिज बेक ने रिस्क की बात की थी इनईक्वालिटीज़ आर रूटेड इन रिस्क पोजिशन तो जो इक्वालिटीज़ है मॉडर्न सोसाइट में देयर फंक्शन ऑफ किस में कितनी रिस्क टेकिंग केपेबिलिटी है रिस्क कॉन्शियसनेस एंड रिस्क अवॉइडिंग केपेबिलिटी है ठीक है और एक क्लास और स्टेटस की वजह से स्टेटिफिकेशन या इनईक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती है बैक एंड बॉर्डर लार्ड ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था इंडिविजुलाइज्ड इन इक्वालिटीज़ का इंडिविजुलाइज्ड इनईक्वालिटीज़ जब वो इंडिविजुअल फिनोमुना बन जाता है और कोई क्लियर स्ट्रेटा जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता है नो क्लियर स्टेटा एग्जिस्ट इन सोसाइटी ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनके इसके क्रिटिसिजम के तो आई गेस विल स्टॉप हेयर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टार्टअफिकेशन इन इन डायमेंशन पे प्लस सोशल मोबिलिटी और दिस विल कम्प्लीट योर चैप्टर नंबर फाइव ठीक है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें टेक गुड केयर ऑफ यर हेल्थ हैप्पी नीवर इन एडवांस बाय टेक केयर हैव ए ग्रेट डे